Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. Today we are going to start a new subject jiski bahut zyada demand thi. Mere comment section mein bahut se log comment kar rahe the, sir art and culture jo bahut difficult subject mana jata hai usko start kare. To humne us initiative ko start kiya hai. Actually art and culture ek bada topic hoga kyunki dekho isme pura ancient se leke modern tak pura art and culture cover kiya jayega. तो आज मैं आपके सामने सिलेबस लेके आया हूँ. ठीक है, आप सिलेबस देख लें कि किस तरह हम कवर करने वाले हैं, इसमें आपको आइडिया हो. ठीक है, तो चलिए आज हम सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं. तो इंडियन जो आर्ट एंड कल्चर है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दैट इज इंडियन आर्ट और दूसरा होगा इंडियन कल्चर. ठीक है, और सबसे पहले हम पार्ट कवर कराएंगे इंडियन आर्ट का, उसके बाद हम कल्चर की ओर मूव करेंगे. तो इंडियन आर्ट में मैं आपको इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक रहेगा अपना परफॉर्मिंग आर्ट और दूसरा पार्ट जो रहने वाला दैट इज गोइंग टू बी द विजुअल आर्ट. ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं. याद रखिएगा, ऐसी आर्ट या ऐसी स्किल्स दैट रिक्वायर परफॉर्मेंस टू एक्सप्रेस. ध्यान रखिएगा, एक परफॉर्मेंस की जरूरत होती है टू एक्सप्रेस करना. जैसे कि डांस, आप डांस करके कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, आप म्यूजिक के थ्रू भी कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस देना पड़ेगा जिससे आपका एक्सप्रेशन क्लियर हो पाए. तो ऐसी आर्ट को अपन कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट. ठीक है, जैसे कि इस पर परफॉर्मिंग आर्ट में क्या डील करने वाले हैं, जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन डांसेस ऑफ इंडिया से. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल डांस एंड फोक डांसेस. तो सबसे पहले अपन क्लासिकल डांसेस देखेंगे, उसके बाद फोक डांस देखेंगे. सेकेंड टॉपिक जो होगा अपना परफॉर्मिंग आर्ट में, दैट इज म्यूजिक ऑफ इंडिया. और दो टाइप के म्यूजिक है, एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्दर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, और सेकेंड टाइप का जो म्यूजिक है दैट इज साउथ इंडिया में, दैट इज कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक. तो पहला हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होने वाला है दैट इज थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया, जितने भी थिएटर्स है इंडिया में उस पर डिस्कशन होगा अपना. ठीक है, फोर्थ जो डिस्कशन होगा परफॉर्मिंग आर्ट में दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन पपेट्री. याद रखिएगा, कठपुतली डांस आपने सुना होगा, राजस्थान में बहुत फेमस है. तो उसमें देखेंगे इंडियन पपेट्री क्या है, अलग अलग टाइप की पपेट्री है, अलग अलग वे की भी पपेट्री है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे. और जो लास्ट चैप्टर होगा इस परफॉर्मिंग आर्ट का, ये मेजर चैप्टर है डांसेस, म्यूजिक, थिएटर और इंडियन पपेट्री. और जो लास्ट होने वाला है That is UNESCO की लिस्ट में, याद रखिएगा, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं. ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, और इस पे कौन कौन सी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंडिया की परफॉर्मिंग आर्ट में आता है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे. तो ये पांच टॉपिक ए बी सी डी ई जो मैंने लिखा है ये अपन अपने परफॉर्मिंग आर्ट में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट जो लेक्चर होने वाला है वो डांसेस ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, सेकेंड अपन विजुअल आर्ट में आएंगे. ठीक है, विजुअल आर्ट कौन सी आर्ट होती है, याद रखिए, ऐसी आर्ट एंड स्किल्स दैट रिक्वायर विजुअल मींस टू एक्सप्रेस. आपके दिमाग में होगा विजुअल मींस टू एक्सप्रेस का मतलब क्या है. जैसे कि इसमें अपन डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर. ठीक है, तो याद रखिए यहां पर जो भी चीज दिख रही है आपको टेंजिबल दिखेगी. ठीक है, तो याद रखिएगा आर्किटेक्चर, जैसे बहुत से आर्किटेक्चर, हिमायू टॉम, ताजमहल, तो आर्किटेक्चर पर डिस्कशन होगा. तो पहला टॉपिक जो इसमें डिस्कस करेंगे विजुअल आर्ट्स में दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है, जब मैं आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा तो मैं एंशियंट से लेकर पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा. ध्यान रखना मिडाइवल मॉडर्न सब आएगा पूरा डिस्कशन में. ठीक है, डेवलपमेंट पूरी डिस्कशन होगी इसमें. ठीक है, इसी में अपन टेंपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर में. तीन स्टाइल की टेंपल्स हैं, आपने शायद सुना भी होगा, नगारा स्टाइल, फिर देन द्रविडियन स्टाइल, वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये सब भी अपन टेंपल आर्किटेक्चर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो सेकंड होगा इसमें टॉपिक विजुअल आर्ट में दैट इज इंडियन स्कल्पचर, तो इंडियन स्कल्पचर को डिस्कस करेंगे इसमें. जो नेक्स्ट पार्ट सी होगा दैट इज इंडियन पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का डिस्कशन होगा, है ना. उसके बाद लास्ट पार्ट होगा विजुअल आर्ट्स में दैट इज गोइंग टू अगेन यूनेस्को लिस्ट में जो टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं. ठीक है, जैसे ताजमहल है या रेड फोर्ट है, जो भी है, जो भी टेंजिबल साइट्स में होगा और जो यूनेस्को की लिस्ट में होगा उसको डिस्कस करेंगे. तो अपना मतलब यहां पर परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट जो इंडियन आर्ट का टॉपिक है वो अपन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जब हम इंडियन आर्ट कंप्लीट कर देंगे उसके बाद जो सेकंड हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इंडियन कल्चर पे. ठीक है, इंडियन कल्चर पे क्या होगा, देखिए मैंने यहां पर ए से लेके एफ तक लिखा हुआ है. पहले हम रिलीजन इन इंडिया डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकंड हम इंडियन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे. जो थर्ड पार्ट होने वाला है फिलोसॉफिकल स्कूल्स, इस पे डिस्कशन होगा. प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आया भी है ऑलरेडी यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में. सिक्स टाइप के स्कूल्स हैं फिलोसफी में, अपन डिस्कशन करेंगे इसको जब डिस्कस करेंगे, जैसे कि न्याय फिलोसफी, ठीक है, वैशिका, याद रखिएगा, सांख्य,
ठीक है, योगा, मीमांसा, वेदांत, तो याद रखिए ये सारी सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, इन पे डिस्कशन होगा, ये होती क्या है, इन पे अपना अगला डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह डेवलप हुई है थ्रू एजेस, अगर मैं बात करूं कि पहले क्या था फिर आगे क्या है, ठीक है, जंतर मंतर आपने शायद सुना भी होगा, ठीक है, जिससे अपन कैलकुलेट करते थे, बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल चीजें वहां से कैलकुलेट होती थी, तो ये सब देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह डेवलप हुई है, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलेंडर्स पे डिस्कशन होगा इस पे, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इंडियन कल्चर में, दैट इज गोइंग टू बी द सम इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, ठीक है, चाहे ऑटोनॉमस बॉडीज हो, जो भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश की गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहां पर, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब कितने लेक्चर्स में होगा तो देखिए लेक्चर्स बनते जाएंगे तभी मैं आपको बता सकता हूं, बट अप्रोक्सीमेटली देखे जाए तो 20 लेक्चर्स तो जो मेरा मानना है, क्योंकि इसको मैं मेंस पर्सपेक्टिव से भी करा रहा हूं, प्री भी कवर होगा मेंस भी कवर होगा, तो अराउंड 20 लेक्चर्स उसमें लग जाएंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, जो लेक्चर कल से आना चालू हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सिलेबस समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूं, जिसमें आपने देखे होंगे मैंने जिस तरह आपको डिटेल बताया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज शेयर करें, आपके व्यूज को देखते हुए हम इस सीरीज को जरूर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।